अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं, ये फिफ्थ चैप्टर है हमारा सेवन्थ क्लास का, मुगल साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, जो कि 1526 से लेके 1540 ईस्वी तक रहा था। ये बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सन 1526 ईस्वी में बाबर है उसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके आक्रमण के समय में दिल्ली पर अंतिम जो सुल्तान था दिल्ली का, वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, उसका शासन था और दिल्ली सल्तनत विघटन के कगार पर थी। ठीक है, विघटन मीन्स टू से वो पतन के कगार पर थी। देश में उस समय कोई भी एकीकृत शक्ति ना थी जो विदेशी आक्रमणों का सामना कर सके। बाबर को भारत में आने का मौका मिल गया और उसने युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए, बाबर जो कि 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासक रहा था, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो अपने पिता के पक्ष में तैमूर और माता के पक्ष में चंगेज खां के वंश से संबंधित था। वो मात्र जब 12 वर्ष की अल्पायु में ही था तो मध्य एशिया की एक छोटी सी जागीर का फरगना का शासक बना था वो। अब मध्य एशिया में उसने अपनी स्थिति जो है वो सुदृढ़ करने के विचार से भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसकी यह विजय भारत में मुगल शासन की शुरुआत थी। 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया और सन 1528 ईस्वी में उसने मालवा के जो मोदिनी राय है को चंदेरी के युद्ध में हराया, मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया। अंत में 1529 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई जो महमूद लोदी है उसको घाघरा के युद्ध में पराजित किया और बाबर का जो नियंत्रण है अब उत्तरी भारत में हो गया था, किंतु उसे अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का समय नहीं मिला। सन 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और हमें बाबर के जीवन तथा उसकी उपलब्धियों की जानकारी जो है उसकी जो आत्मकथा जो लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी में मिलती है, जो उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। ठीक है, अब देखिए हुमायूं जो कि किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। तो उसका सबसे बड़ा पुत्र था जिसने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक और 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। अब देखिए, बाबर की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा जो बेटा है हुमायूं, वो 1530 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता से